नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। साक्षी मार्केट में गुरुवार रात चोर गिरोह ने लाखों रुपए की चोरी की घटना को दिया अंजाम। एमजीएम अस्पताल में वर्ल्ड विट्लाइगो डे पर एक दिवसीय सेमिनार का किया गया आयोजन। आपातकाल दिवस को भाजपा ने काला दिवस के रूप में मनाया। और पटमदा के भवन टोला में बहू ने सास को कुल्हाड़ी से मारकर किया जख्मी, सास एमजीएम अस्पताल में भर्ती। खबरें अब विस्तार से। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो की 65वीं जयंती शुक्रवार को मनाई गई। इस मौके पर झामुमो नेताओं के साथ उनके परिवार के सदस्यों की ओर से उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दी गई। ईचागढ़ की विधायक और स्वर्गीय महतो की पत्नी सविता महतो ने बताया कि उनका पूरा परिवार झारखंड आंदोलन से जुड़ा रहा है। उन्होंने अपने दिवंगत पति को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रीमती महतो ने झारखंड वासियों एवं ईचागढ़ की जनता के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा, उनके दिवंगत पति ने ईचागढ़ और झारखंड के विकास का जो सपना देखा था उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। वहीं स्वर्गीय सुधीर महतो के भांजे और झामुमो नेता लालटू महतो ने भी स्वर्गीय सुधीर महतो की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें याद किया और झारखंड आंदोलन में अपने मामा की भूमिका को अहम बताया। उन्होंने कहा, उनके परिवार ने झारखंड आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शहीद भी हुए। सुधीर महतो स्वर्गीय निर्मल महतो के छोटे भाई थे, जो झारखंड अलग राज्य गठन होने के बाद झारखंड के डिप्टी सीएम बने थे और ईचागढ़ विधानसभा सीट से वे चुनाव जीतते रहे थे। आज 65वें सुधीर महतो जी का जन्मदिन पूरा राज्य में हर पंचायत हर प्रखंड में और सही निर्मल महतो स्टेडियम में आज उनकी जयंती मनाए जा रहे हैं और उनका जो अधूरा सपना है उस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा में हम लोग सभी मिलकर कैसे आगे बढ़ाएंगे उनको अधूरा सपना इसी के लिए पूरा राज्य के शहीदों को मैं नमन करती हूँ। इधर जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी के महानगर कार्यालय पहुंचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास और जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कहा कि आज का दिन हम लोग इमरजेंसी दिवस यानी काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। कई लोग जो उस वक्त रघुवर जी के साथ जेल गए थे उनको सम्मानित किया गया। जमशेदपुर में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में इमरजेंसी के 46 साल पूरा होने पर शुक्रवार को पूरे देश में काला दिवस के रूप में मनाया गया। आपातकाल के दौरान आंदोलनकारी जो जेल गए थे उन सभी को सम्मानित किया गया है। रघुवर दास ने बताया कि किस तरह से इमरजेंसी लगी और किस तरह से जेल जाना पड़ा था। जयप्रकाश नारायण को याद किया गया और कहा कि इमरजेंसी के खिलाफ पूरा देश उबाल पर था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। आज सारे देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 25 जून को विरोध दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। उसी निमित्त आज महानगर भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय में जो 25 जून 1975 जो भारत के लोकतंत्र पर एक काला अध्याय लिखा गया उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी आने वाली पीढ़ी को जो स्वतंत्रता के बाद भारतीय इतिहास में जो लोकतंत्र के साथ के ऊपर धब्बा लगाया कांग्रेस पार्टी और श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। और वही पटमदा में आपसे विवाद में बहू ने सास को कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर दिया।
पटमदा थाना बवनटोला निवासी कस्तूरा टुडू को उसकी बहू पदमश्री टुडू ने कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर दिया। हालांकि घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है क्योंकि घटना के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। फिलहाल घायल को MGM अस्पताल लाया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है। मेरे को तो नहीं पता था। कौन लोग मारा? ये पद्म ने टूटो। कौन है वो? मेरा हम लोग का भाभी लगता है। अच्छा, तो उसी से क्या चीज बोल चल हो गया तो इसे मारा। किस चीज से? कुल्हाड़ी से। कुल्हाड़ी से? कुल्हाड़ी से मारा। हाँ, और भी कोई मारा है ना? वही मारा खाली। हाँ, और भी कोई मिल के मारा है? नहीं नहीं नहीं, अकेले से मारा। अकेला मारा? हाँ। क्यों? क्यों मारा मेरे को? मेरे को तो नहीं पता, मेरे घर में नहीं था। काम भेज गया था क्या? हाँ, काम भेज गया था। काम नहीं, फुटबॉल गेम खेलने गया था। तो तुम फुटबॉल खेलने गया था? हाँ। तो क्या झगड़ा चल रहा था पहले से? क्या पहले से? नहीं, आज से हुआ। इधर सांची बाजार में गुरुवार देर रात चोरों का आतंक देखने को मिला। चोरों ने 4 दुकानों से लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। साक्षी बाजार में चोरों ने 4 दुकानों का विंडो AC खोलकर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने झंडा चौक स्थित फैशन वर्ल्ड, अभिनंदन, एम मार्ट और कुर्ती बाजार में चोरी की। घटना की जानकारी मिलने पर शुक्रवार को CTSP सुभाष चंद्र जाट, ASP सिटी कुमार गौरव और साक्षी थाना प्रभारी कुणाल कुमार मौके पर पहुंचे। CTSP सुभाष चंद्र जाट ने सभी चोरों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है। घटना के संबंध में CTSP सुभाष चंद्र जाट ने जानकारी देते हुए बताया। कौन सा? आप लोग कितने बजे ड्यूटी आई? सुबह 8 बजे के लगभग, 8:30 बजे लगभग मुझे फैशन वर्ल्ड का जो मालिक है सोनू ने बिंद्रा ने फ़ोन किया कि दुकान में चोरी हो गई। तो मैं तत्काल साक्षी पहुंचते मैंने निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद मैंने थाना प्रभारी को फ़ोन किया कि सर ऐसा यहाँ पे 4 दुकानों में चोरी हो गई। तो थाना प्रभारी तुरंत देरी नहीं की, विलम्ब नहीं किया और अपना तो दरोगा को साक्षी में भेजा जाँच पड़ताल करने के लिए। उसके बाद में थाना प्रभारी खुद आ गए, अथवा हमारे सिटी एसपी साहब आ गए, सब लोग पहुंच गए यहाँ कि अपना मुआयना कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग लगता है कि जैसा प्रशासन का रवैया यहाँ पे है, बहुत जल्दी चोरों तक पहुँच जाएगी। तो 4 दुकान क्या चीज़ का है? चारों दुकान कपड़े की है और वहाँ कोई कपड़े की चोरी नहीं हुई, सिर्फ कैश की चोरी। पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत झंडा चौक के 4 दुकानों में बर्गलरी के माध्यम से चोरी की जो सूचना प्राप्त हुई है उसके सत्यापन के लिए यहाँ पे ASP CTSP साक्षी में आया हूँ। ये घटना बिल्कुल सही है, ब्रेकिंग हुई है और उसमें चोरों को हम लोग जल्दी पकड़ा। कितने का माल पैसा? अभी स्टेटमेंट लेने के बाद और इन लोगों को अपना कैश मिलान करने के बाद ही पता चलेगा कि कितना कैश गया है, क्योंकि जैसे ही दुकानें खुली वैसे ही पता चला कि इस तरह की कोई ब्रेकिंग की घटना हुई है और उसके बाद पुलिस तत्काल यहाँ पहुँची। कौन कौन सी दुकान है सर? चारों में 4 दुकान यही झंडा चौक पे है, कपड़े की दुकान। इसका पूरी CCTV वगैरह भी जांच किया जा रहा है? सारी चीज़ें की जाएंगी, चोरों को पकड़ने के लिए जो भी जरूरी कदम है वो सब उठाए जाएंगे। और जमशेदपुर के MGM अस्पताल के सभागार में शुक्रवार को वर्ल्ड विट्लाइगो डे मनाया गया। यह बातें उन्होंने अस्पताल के सभागार में आयोजित वर्ल्ड विटिलिगो डे के मौके पर एक सेमिनार के दौरान कही। डॉक्टर राजीव ठाकुर ने बताया कि सफेद दाग को लोग अंधविश्वास से जोड़कर देखते हैं, लेकिन आधुनिक चिकित्सा पद्धति में इसका इलाज 100% संभव है। उन्होंने इसे एक स्किन डिजीज बताया और कहा कि इसके लक्षण दिखते ही रोगी को चिकित्सीय सहायता लेनी चाहिए ताकि समय पर इसका इलाज किया जा सके। डॉक्टर राजीव ठाकुर ने बताया कि लोगों के मानसिकता के विकार को दूर करने के उद्देश्य से दुनिया भर के चर्म रोग विशेषज्ञ वर्ल्ड विटिलिगो डे मनाते हैं ताकि सफेद दाग को लेकर समाज में फैली भ्रांतियों को दूर किया जा सके।
सर बताएं, आज हम लोग वर्ल्ड विटिलिगो डे ऑब्जर्व करते हैं। पूरे वर्ल्ड में इसको आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। इसका मतलब कि विटिलिगो जो है ये इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड से करीब 2% पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसको जागरूक करना, ये कोई सफ़ेद कुष्ठ नहीं है, कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। हमारे यहाँ इसको घृणा की नज़र से देखा जाता है। तो आज हम लोग केवल जागरूकता इसी तरह फैला रहे हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये छोटी सी ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, और अगर शुरू में ही इसको छुपाया नहीं जाए, इसका इलाज कराया जाए, तो ये पूरी तरह ठीक हो जाता है दवा के द्वारा। नहीं दवा से तो फोटोथेरेपी या लेज़र करते हैं हम लोग, और लास्ट में अगर कोई चिकित्सा नहीं होती है तो सर्जरी करके उसको ठीक कर देते हैं। लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं और सबको हम लोग बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, मेरा की संस्था और बंग बंधु संस्था ने संयुक्त रूप से आज छोटे बच्चों और किशोरी लड़कियों के बीच खाद्य सामग्री, मास्क, सैनिटाइजर आदि का वितरण किया। बताया जा रहा है दोनों संस्थाओं ने लगातार जरूरतमंदों और छोटे बच्चों, किशोरी लड़कियों के बीच लगातार सेवा दे रहे हैं। वहीं शुक्रवार को ब्यांगबिल पंचायत में मेराकी संस्था और बंग बंधु संस्था ने संयुक्त रूप से शुक्रवार को आने वाली कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों के बीच खाद्य सामग्री और अंडा, दूध, मास्क, सैनिटाइजर आदि सामग्रियों का वितरण किया। मौके पर पंचायत के मुखिया नीरज सिंह भी उपस्थित रहे। मेरा की संस्था के सचिव रीता पात्रो और बंग बंधु संस्था के केंद्रीय उपाध्यक्ष अर्पणा गुहा ने कहा कि दोनों संस्थाओं ने आने वाली तीसरी लहर को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों और लोगों के बीच जागरूक कर रहे हैं। साथ ही साथ इन लोगों के बीच खाद्य सामग्री, मास्क, सैनिटाइजर, अंडा आदि चीजों का वितरण भी किया गया है। मीराकी और बंगबंधु संस्था संयुक्त रूप से आज हम लोग ब्यांगबिल गांव में आए हैं और यहां के करीब 40 से 50 5 वर्ष से 12 13 वर्ष के बच्चों के बीच में मास्क, सैनिटाइजर, दूध, अंडा, इस तरह का पौष्टिक आहार वितरण करते हुए हम लोग जो जागरूकता शिविर चला रहे, जो कैंपेनिंग चला रहे, उस कैंपेनिंग को जारी रखते हुए हम लोग ये काम इस गांव पे आज कर रहे हैं। यहां के बच्चों को जानकारी देना, जागरूक करना, आने वाले कोरोना या तीसरी लहर की लहर से बचाना, स्वच्छ रखना, साफ सफाई के बारे में बताना, उनको दूरी मेंटेन करना, जो भी सरकार की गाइडलाइन है उस चीज़ को हम लोग मुहिम के तहत आज ये तीसरा गांव पे हम लोग संयुक्त रूप से दोनों संस्था पहुँचे हैं और आगे भी इसी तरह से हम लोग कोटका के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग गाँव में जाते रहेंगे और ये जागरूकता फैलाएंगे। आज हम लोग सुंदरनगर बैंगविल पंचायत गांव में आके हम लोग आज छोटे छोटे जो बच्चे हैं और जो मैंने किशोरी बच्ची है, सभी के बीच हम लोग पौष्टिक आहार, दूध, अंडा, बिस्किट और महिलाओं के लिए, किशोरी बच्चों के लिए हम लोग लाए हैं सैनिटरी नैपकिन पैड लाए हैं और इसी में हम लोग हर पंचायत में इसी तरह का बांट रहे हैं और एक जागरूकता कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड जो वेव आ रही है ये बहुत बच्चों के ऊपर में असर पड़ेगी, तो उसी बच्चों को किस तरीका से रखेंगे, गाइडलाइन सरकार की जो जो आई है उसको किस तरीका से हम लोग मान के चलना पड़ेगा, बच्चों को किस तरीके से रहना होगा, ये सब के विषय में हम लोग सभी लोग जानकारी दिए हैं और हम लोग वैक्सीनेशन भी बहुत जगह किए हैं और अभी हम लोग मेराकी और बंगबंधु संस्था मिलके इस मुहिम को हम लोग छेड़े हैं कि सभी गांव में या पंचायत में जाके बच्चों को हम लोग जागरूकता करेंगे। और सरायकेला जिला मुख्यालय परिसर में वज्रपात से बचाव के लिए जागरूकता वाहन को डीसी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर डीसी राजकमल के अलावा डीडीसी, एडीसी मौजूद थे। प्राकृतिक आपदा की रूप ले लेते हैं, हर बार जब मृत्यु की दर या संख्या देखा जाता है तो एक बड़ी एक नेचुरल डिजास्टर जब होता है ऑलमोस्ट उसके बराबर हम लोगों का डेथ अगर झारखंड में एक या दो दिन में जब ज़्यादा बारिश होता है उसको जोड़ेंगे तो उतना ज़्यादा संख्या में लोगों का मृत्यु हो जाता है। तो इसीलिए विशेषकर झारखंड के लिए ये सभी जनता को याद रखना पड़ेगा कि वज्रपात एक आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा है। इसके बारे में सभी लोगों को जागरूक कराना प्रशासन की प्राथमिकता है।
इसी के मद्देनज़र आज एक वाहन को भी रवाना किया गया था। इस वाहन अभी हर प्रखंड में एक दिन घूमेंगे, जहाँ जहाँ ज़्यादा वज्रपात होने की संभावना है वैसे पंचायतों में ज़्यादा समय के लिए रहेंगे और वहाँ के लोगों को प्रेरित करेंगे कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, विशेषकर जब वज्रपात होता है तो किसी को पेड़ के नीचे नहीं रहना है और घर में जब रहते हैं तो घर में ही रहना बेटर होगा। और यदि कोई मोबाइल या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हैं, टीवी सब रहता है तो उसको ऑफ़ करना है, ऑफ मोड में रखने से डैमेज कम होने की संभावना रहता है। इसीलिए ऐसा बहुत सारे चीज़ लोग सब जानते हैं, लेकिन हर बार हर साल सभी को याद रखना, इस चीज़ के बारे में बताना काफ़ी ज़रूरी है। वही सदियों से जमीन की लड़ाई होती आ रही है, किसी गांव के सीमांकन को लेकर तो कभी वन विभाग के बीच ग्रामीणों की तंज रही। सरकार द्वारा वनाधिकार अधिनियम के आधार पर पट्टा देकर बंदोबस्ती का भी प्रावधान है। ये मामला सरायकेला खरसवा के शहरी क्षेत्र से सटा गांव घनीगोड़ का है। धनीगोड़ा कपाली थाना अंतर्गत और आदित्यपुर जैसे शहर से सटा गांव और रामगढ़ बीट के अधीन है। वन विभाग के जमीन के बीचों बीच रयात भूमि पर तीन पीढ़ी से बसा लगभग 60 घरों 450 की आबादी वाला गांव है। गांव के आवागमन का एकमात्र वन भूमि है। वन विभाग के द्वारा उस भूमि पर 40,000 पेड़ लगाने की योजना चलाया जा रहा है, जिसे ग्रामीणों ने पेड़ लगाने से रोक दिया, जिसको लेकर ग्रामीण ने वन विभाग के द्वारा वृक्षारोपण का विरोध किया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हमारे पूर्वज के द्वारा तीन पीढ़ी से वन विभाग से रास्ता और मैदान का प्रयोग करते आ रहे हैं। कई बार वन विभाग को सामुदायिक वन पट्टा के लिए आवेदन कर चुका है, पर वन विभाग की लापरवाही के कारण अब तक सामुदायिक वन पट्टा नहीं दिया है। वन विभाग वन के विस्तार को लेकर धनीगोड़ा में वृक्षारोपण कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण ने रास्ता और मैदान नहीं होने के कारण गांव के विकास और युवाओं के विकास नहीं हो सकेगा। वहीं बीमार लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए कोई विकल्प नहीं है। ग्रामीण महिला पुरुष रास्ते और मैदान की मांग जिला के अपर उपायुक्त को भी आवेदन दिया। वहीं चांडिल परिक्षेत्र पदाधिकारी अशोक कुमार ने ग्रामीण की मांग को गलत बताते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों से वन विभाग की ओर से वृक्षारोपण किया जा रहा है, परंतु जन बसाव के कारण योजना सफल नहीं हो रही है। इस वर्ष 40,000 पेड़ लगाने की योजना है, जो वन विभाग की भूमि पर लगना है, और वन विभाग के अधिनियम के आधार में मैदान के नाम पर पट्टा नहीं दिया जाता है। ग्रामीणों की मांग गलत है। असुविधा रास्ता के लिए हम लोग का असुविधा बहुत, तीन पीढ़ी से रास्ता हम लोग का लिए असुविधा है। रास्ता के लिए मैंने रास्ता हम लोग को चाहिए और मैदान भी चाहिए, खेल कूद के लिए बच्चा लोग के लिए। हम लोग का छोटा, बहुत छोटा गांव है धनीगोड़ा। हम लोग को मैंने दिक्कत होता है सब कुछ के लिए। जब बूढ़ा लोग जो होगा, 100 साल का उम्र जिसका होगा, वो लोग कुछ हो जाएगा, बीमारी ही नहीं है तो हम लोग जाए, आना जाना कैसे करेगा। अभी हम लोग तो कहाँ से जाते हैं, कहाँ से जाते हैं? यही तो फॉरेस्ट डिपार्ट होकर जाते हैं। तीन पीढ़ी हम लोग का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो चला गया रास्ता। देखिए सर लोग, यहाँ से हम लोग दो पीढ़ी से गुजर रहा है, रास्ता में जाने आने कर रहा है, लेकिन बहुत दिक्कत के साथ हम लोग गुजर रहे हैं। और दो पीढ़ी से पहले भी आदमी लोग यहाँ पर जो मैदान है, यहाँ से खेल कूद करते थे, अभी भी करते हैं। तो अभी फॉरेस्टर लोग बोल रहे हैं कि एक ही दोनों में एक छोड़ेगा, रास्ता या मैदान। तो हम लोग उनको दोनों ही जरूरत है, क्योंकि बच्चा का भविष्य जो है, अभी नहीं छोड़ने से बच्चा लोगों का, हम लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए गुजारिश है फॉरेस्टर डिपार्टमेंट को कि हम लोगों का रास्ता, फुटबॉल मैदान दोनों ही छोड़। फुटबॉल मैदान चूँकि वन भूमि है और वो बीच में जब खाली थी तो उस बीच लोगों ने, बच्चे ने फुटबॉल मैदान के रूप में उपयोग कर किए हैं, लेकिन अभी चूँकि उसमें हमारा सरकार के स्तर से एक स्कीम बनोपन की आई हुई है, तो उसके तहत हम वहाँ करीब 42,000 पौधे लगाने जा रहे हैं। और वैसी स्थिति में फुटबॉल मैदान को वहाँ से हटा दिया जाएगा, चूँकि फुटबॉल मैदान अगर वो चाहते हैं, जैसा लोग बोल रहे हैं, वनाधिकार में वो प्रोविजन नहीं है कि फुटबॉल मैदान उन्हें उपलब्ध कराया जाए। जहाँ तक रास्ते की बात है, तो रास्ता भी वन भूमि के बीच से हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बीच से हम दे देंगे तो हमारा वो लगाया हुआ वन रोपण सफल नहीं होगा। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज।
बेटियों के लिए ना हो परेशान। विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 06572956158। ब्रेक के बाद में प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। सुंदरनगर थाना अंतर्गत टाटा हाता मुख्य मार्ग के कुदादा के समीप एक ट्रेलर और एक अज्ञात वाहन में टक्कर हो गई, जिसमें ट्रेलर के केबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रेलर आयरन लेकर चाईबासा से जमशेदपुर की ओर जा रही थी, तभी अचानक ओवरटेकिंग के दौरान अज्ञात वाहन से जा टकराई, जिससे ट्रेलर के केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। उधर सुंदरनगर ब्यांगबेल पंचायत सचिवालय में आज कोरोना का जांच किया गया और 18 प्लस लोगों का टीकाकरण किया गया। वहीं काफी संख्या में लोग कोरोना का जांच कराने और टीका लेने पहुंचे हुए थे। भीड़ को देखते हुए सुंदरनगर की पुलिस भी मौके पर पहुंची। पंचायत के मुखिया नीरज सिंह ने कहा कि शुक्रवार को ब्यांगबेल पंचायत में लोगों का कोरोना जांच किया जा रहा है और टीका भी 18 प्लस लोगों को दिया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोरोना से बचना है तो टीका अवश्य लें। आज जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत गांव ब्यांगबेल पंचायत ब्यांगबेल में 18 प्लस से हम लोग कोरोना का जो टीकाकरण है वो आज हम लोग दे रहे हैं और बहुत बढ़िया तरह से हम लोग 14 वार्ड जो है 14 वार्ड के 6 गांव हैं सभी लोग आए के इसको सफल करने के लिए हर युवा लोग उत्साह दिखा जा रहा है और आगे जो तीसरा लहर जो फर्स्ट लहर सेकंड लहर हम लोग पार कर चुके हैं, तीसरा लहर जो आ रहा है उसके लिए काफ़ी जागरूक है। गाँव में वाले पचा पसा कर रहे हैं। आज मैं टीकाकरण आज हम लोग 250 का टारगेट लेके चल रहे हैं। कोरोना का जांच हो रहा है जिनका मैंने पैसा रही है वो लोग हम लोग कह रहे हैं आप एक सप्ताह बाद लीजिएगा। आज जो लोग नॉर्मल है आज हम लोग सभी को दे रहे हैं। आज क्या क्या दो काम हो रही है? आज हम लोग का पंचायत में एक जांच का भी हो रहा है इसमें कोरोना के भी। और 4 महीने पहले एक हादसे में जख्मी लड़की सभा के इलाज के लिए सामाजिक संस्था माई कंट्री इज माई फैमिली आगे आई है। माई कंट्री इज माई फैमिली ने फरवरी महीने में सड़क हादसे में जख्मी लड़की सभा के इलाज के लिए आगे आई है। संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद शमीम ने स्वास्थ्य मंत्री सह स्थानीय विधायक बन्ना गुप्ता से मांग की है कि लड़की की समुचित इलाज के लिए वह अपने स्तर पर मदद करे। जी जवाहर नगर रोड नंबर 13 की सबीना परवीन जो ऑटो से उतरे की स्कूटी लेने उन्हें 7 फरवरी को मारा और उनके फैमिली की आर्थिक बहुत कमजोर है। उनकी माँ घरों में काम करके प्राइवेट में इलाज करा रही थी, अब उनका पास पैसा खत्म हो गया है और लड़की की स्थिति गंभीर है तो उसे एमजीएम में भर्ती करा गया जो कि
373 नंबर बेडें हैं और डॉक्टर ने बाहर से एक्सरे लिख रहे हैं और भी बहुत सी चीज़ें लिखी जा रही हैं दवाइयाँ, जिसके लिए मेरे दोस्तों ने अपनी तरफ से आर्थिक मदद की है, लेकिन हम और भी पैसे की ज़रूरत है तो हम चाहते हैं कि जमशेदपुर वासी उनसे कि वो आगे आएँ और उनकी मदद करें। साथ ही साथ माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से जी भी कहते हैं कि वो एनजीएम में इस बहन का की मदद के लिए आगे आएँ और जिला प्रशासन के साथ एनजीएम के से भी अपील है कि मेरी इस बहन की अच्छे से अच्छी इलाज हो। और युवा नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शाहनूर रहमान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मांग पत्र सौंपकर जल्द से जल्द जलापूर्ति सेवा बहाल करने की मांग की। कपाली नगर परिषद क्षेत्र में 5 दिनों से जलापूर्ति ठप, युवा नगर कांग्रेस कमेटी ने जल आपूर्ति बहाल करने की मांग की। मांग चांडिल के कपाली नगर परिषद क्षेत्र में इंटक वेल में आई खराबी के कारण विगत 5 दिनों से पूरे क्षेत्र में पाइपलाइन जलापूर्ति बाधित है। चांडिल के कपाली नगर परिषद क्षेत्र में लाखों की आबादी विगत 5 दिनों से पाइपलाइन जलापूर्ति से वंचित है। विभाग के कार्यपालक पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने बताया कि विगत दिनों नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण इंटक वेल में खराबी आ गई थी, जिसे जलस्तर कम होने पर दुरुस्त किया जा रहा है और जल्द ही जलापूर्ति बहाल हो जाएगी। वहीं शुक्रवार को कपाली नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शाहनूर रहमान के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने कार्यपालक पदाधिकारी को एक मांग पत्र सौंपते हुए अविलंब जलापूर्ति बहाल करने की मांग की है। इससे पूर्व युवा कांग्रेस द्वारा नगर परिषद कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन भी किया गया। मौके पर मौजूद नगर कमेटी के अध्यक्ष शाहनूर रहमान ने बताया कि बड़ी आबादी पेयजल की किल्लत झेल रही है, जिसे अविलंब दूर करना अति आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने नगर परिषद क्षेत्र में बरसात और गंदगी को देखते हुए साफ सफाई और ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव करने की मांग की है, जिसे पदाधिकारी द्वारा जल्द ही कराए जाने की बात कही गई। जो ज्ञापन दिया गया वो पानी की जो विगत दिनों में समस्या रही थी, जो सप्लाई नहीं हो पा रहा था, उसको लेकर दिया गया है पहला बिंदु पर। और दूसरा बिंदु पर अभी बरसात को लेकर कुछ जगह थोड़े बहुत जगहों में जो जल जमाव है, उसको लेकर आने वाले समय में मलेरिया या अन्य कोई बीमारी पानी जनित ना हो, पानी से होने वाली बीमारियाँ ना हो, उसके लिए जो लार्वा एंटी लार्वा मलेरिया का छिड़काव है, उसके लिए भी लोगों के द्वारा यहाँ ज्ञापन दिया गया है और ब्लीचिंग और डालने की। सर, जो पानी का समस्या कली उस तरह का प्रोविजन नहीं है, क्योंकि यहाँ अभी भी बिना मीटर के पानी की सप्लाई की जा रही है, मीटर हम लोग लगवा नहीं पाए हैं। और जो पानी की जो महीना में 2 या 3 दिन जो डिस्टर्बेंस रहता है, वो क्योंकि हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काफ़ी पुराना हो चुका है और क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए कोई एजेंसी नहीं थी, उसके कारण यूएलबी लेवल पर इसका संचालन अभी किया जा रहा है। दिनों से कपाली नगर परिषद पूरे क्षेत्र में सप्लाई पानी बाधित थी, जिसको लेकर लोग काफ़ी परेशान थे, पानी के लिए तराहिमाम कर रहे थे। उसी को लेकर के मैंने कल फेसबुक और फ़ोन के माध्यम से नगर परिषद ईओ कार्यपालक पदाधिकारी साहब को सूचना दिया था कि मैं अगर पानी चालू नहीं हुआ 12 बजे तक तो मैं युवा कांग्रेस नगर कमेटी की ओर से धरना प्रदर्शन करूँगा, ताला लॉक करने का काम करूँगा। लेकिन मेरे आने से पहले पहले ईओ साहब का फ़ोन के माध्यम से सूचना आता है कि पानी हमने चालू कर दिया है, आप लोग पता कर ले, पानी चालू हो चुका है। तो फिर भी जब मैं यहाँ पर आवेदन देना था, हमें विरोध प्रदर्शन करना था, मुझे नहीं मालूम चला कि पानी आया है, तो आज हम लोग इसी कार्य को लेकर के आज धरना प्रदर्शन किए। और ईओ साहब का कार्यपालक पदाधिकारी साहब का कहना है कि 2 बजे से जैसे जिस हाल तरह से पूरे कपाली में पानी चालू होता था, सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। और वहीं स्वाभिमान पार्टी के महिला मोर्चा के महानगर जिला अध्यक्ष बनी गिरजा देवी। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने गिरजा देवी को बुके देकर पार्टी में स्वागत किया। वहीं गिरजा देवी के साथ अन्य महिलाएं भी स्वाभिमान पार्टी में शामिल हुई। वहीं स्वाभिमान पार्टी के महानगर जिला अध्यक्ष भरत महाराज ने कहा कि शुक्रवार को गिरजा देवी को महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष बनाया गया। अन्य महिलाएं भी शुक्रवार को इनके साथ पार्टी में शामिल हुई। वहीं 2024 में आने वाले विधानसभा चुनाव में झारखंड के हर विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे।
ठीक कहना चाहेंगे। आज हम लोग स्वाभिमान पट्टी से जमशेदपुर महिला मोर्चा का गिरिजा देवी को हम लोग महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष हम लोग घोषणा किए हैं और इनको मतलब कि जिला अध्यक्ष का काम हम लोग दे रहे हैं। हमारी पार्टी जो है 18 राज्यों में अभी तक पार्टी हमारा खड़ा हो गया है, लेकिन हम लोग का जो अभी लक्ष्य है कि झारखंड के 81 विधानसभा चुनाव हम लोग लड़ेंगे और जोरदार हम लोग इनका ये करेंगे। कब लड़िएगा सर? 2024 का जो हम लोग का जो चुनाव है उसमें हम लोग सब क्षेत्र पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। स्वाभिमान पार्टी सभी क्षेत्रों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या आप लोगों के? पार्टी का मुख्य उद्देश्य जैसे हम लोग विष मुक्त खेती, नशा मुक्त व्यक्ति, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और वनस्पति जल जंगल जमीन ये भी हमारा ये है कि शुद्ध वातावरण हो। इधर जुगसलाई स्थित एमए स्कूल रोड में जुगसलाई विधायक मंगल कालंदी ने शीतला मंदिर में फीता काट कर मंदिर का उद्घाटन किया। वहीं परसुडी स्थित मकदमपुर ग्वाला बस्ती में आर्थिक संकट से जूझ रहे एक परिवार को आर्थिक सहायता जुगसलाई विधायक मंगल कालंदी ने किया। साथ ही स्वर्गीय सुधीर महतो का 65वां जन्मदिन जुगसलाई फाटक के पास जुगसलाई विधायक मंगल कालंदी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर मनाया। उनके तस्वीर पर माल्या अर्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जुगसलाई नगर पालिका के स्पेशल अफसर जेपी यादव जी के नेतृत्व में भारती पटनी स्कूल के अंदर प्रांगण में पेड़ लगाया जा रहा है और पेड़ लगाना बहुत अति आवश्यकता भी है पर्यावरण के लिए। और उसके साथ साथ आज आरपी पटेल स्कूल में कोविड वैक्सीन का भी दिया जा रहा है और हमारा विचार भी है और हमारे यहाँ के जेपी यादव जी के भी विचार है कि इस आरपी पटेल स्कूल को हम मैदान को हम लोग बहुत सुंदरीकरण करें। जुगसलाई में जो है पर्यावरण को देखते हुए उसका सुंदरीकरण करने के लिए आरती पटेल स्कूल के अंदर पेड़ लगाया गया। वहाँ छठ घाट का भी हम लोग व्यवस्था करेंगे और गेट की व्यवस्था जो नहीं है जिसके कारण माने कि वो मैदान को सुंदरीकरण करने से पहले जो गेट का व्यवस्था को भी हम लोग पूरा करेंगे, लगाएंगे वहाँ में छठ घाट लगाएंगे ताकि हमारे माता बहना जाके वहाँ में छठ घाट में ग्वाला बस्ती क्षेत्र भी गए थे। मकदमपुर ग्वाला बस्ती परसुड़ी क्षेत्र है जहाँ एक गरीब का घर जो है वो जल गया था। हमने सीओ से बात करके उनको उचित मुआवजा दिलाने का हमने बात किया सीओ साहब से और उसके साथ साथ उनके परिवार को अभी राशन पानी नहीं है, घर जल गया, उसके लिए हमने हार्दिक मदद की है उसको। साथ ही आपको बता दें जमशेदपुर के बिस्टपुर स्थित गैरेज गांव में नव निर्मित झारखंड गैरेज मजदूर यूनियन कार्यालय का उद्घाटन ईचागढ़ की विधायक सविता महतो ने किया। यहां स्वर्गीय निर्मल महतो और स्वर्गीय सुधीर महतो के नव निर्मित मूर्ति पर सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। गौरतलब हो कि पूर्व मंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो के जयंती के मौके पर यह उद्घाटन किया गया। गैरेज गांव की स्थापना स्वर्गीय सुधीर महतो ने की थी और यहां बड़ी संख्या में गैरेज है। गैरेज में आने वाले महिला ग्राहकों को बैठने की असुविधा को दूर करने के उद्देश्य से इस भवन का निर्माण किया है, जिसके उद्घाटन के बाद इसे यूनियन को सुपुर्द किया गया। जय जय
65वें जन्मदिन पर गिरेज गांव की पूरी परिवार को मैं हार्दिक शुभकामना देती हूँ, जो आज हमारे पति स्वर्गीय सुधीर महतो के नाम पे एक लगभग 10 लाख के लागत से अपना निज खर्चा से उनके एक ऑफिस बनाए गए हैं और स्वर्गीय सुधीर महतो नाम से रखेंगे उनके, और इस तरह उनका प्यार, और इसलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ गिरेज गांव के परिवार को, जो उनका आज भी उनसे प्यार करते हैं और इतना अच्छा ऑफिस बनाए हैं और उसका जन्मदिन पर इन पर एक तोहफा दिए हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ परिवार। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। साक्षी मार्केट में गुरुवार रात चोर गिरोह ने लाखों रुपए की चोरी की घटना को दिया अंजाम। एमजीएम अस्पताल में वर्ल्ड विट्लाइगो डे पर एक दिवसीय सेमिनार का किया गया आयोजन। आपातकाल दिवस को भाजपा ने काला दिवस के रूप में मनाया। और पटमदा के भवन टोला में बहु ने सास को कुल्हाड़ी से मारकर किया जख्मी, सास एमजीएम अस्पताल में भर्ती। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।